कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में है। इस दौरान उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी ने हर छोटे बड़े पहलुओं पर बात की और अपने प्राइवेट लाइफ के एक्सपीरियंस और आदतों को भी शेयर किया। फूड एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल को दिए इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बताया कि वो बचपन से लेकर अब तक वहां कहां कहां घूमते रहे हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे नेहरू गांधी परिवार के चौथी पीढ़ी है। कांग्रेस जैसे खानदानी परिवार से आने वाले राहुल गांधी दिल्ली में ही पले बड़े हैं। बचपन में ही उनकी दादी की हत्या कर दी गई थी और जब वो बड़े हुए तो पिता राजीव गांधी की। लेकिन दिल्ली में रहते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली को भी खूब एक्सप्लोर किया है। इंटरव्यू में अपनी पसंदीदा जगह के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि वो पहले बचपन में पुरानी दिल्ली जाया करते थे खाने के लिए, वही अब वो मोती महल, सागर, स्वागत और सरवणा भवन जाते हैं जहाँ उनकी पसंद का स्वादिष्ट खाना मिलता है। राहुल ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि उन्हें नॉनवेज खाना काफी पसंद है। फेवरेट नॉनवेज में वो सीख कबाब, चिकन टिक्का खाते हैं। साथ ही राहुल को ऑमलेट खाना भी पसंद है। राहुल ने इस दौरान अपनी दादी इंदिरा और पिता राजीव की मौत का भी जिक्र किया कि कैसे दादी की हत्या से पहले ही उन्हें बोर्डिंग स्कूल से निकलवाया गया था और फिर जब दादी की मौत हुई तो उसके बाद उन्हें सुरक्षा के लिहाज से स्कूल भी जाने नहीं दिया गया। बता दें 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी थी। खैर, फिर भी राहुल को दुनिया घूमने का बेहतरीन मौका मिला। वो स्पेन, बर्मा, इटली और कई देशों में ट्रैवल कर चुके हैं। अमेरिका लंदन में पढ़ाई और नौकरी करने वाले राहुल गांधी 2004 से राजनीति में आए और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी बस कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में राहुल बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जो कन्याकुमारी से सफर की शुरुआत करते हुए कश्मीर जा पहुंची है। फिलहाल इस कूल इंटरव्यू के बाद राहुल को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। हालांकि देखना होगा इसका कांग्रेस के आने वाले भविष्य पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।